नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिला बिजनौर की, जहां हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेता और कार्यकर्ता तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल नेताओं की एक न्याय यात्रा बिजनौर पहुंची, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर भाजपा की नीतियों के विरोध में एसटीएम सदर को राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। आरएलडी ने आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाने का दावा किया, साथ ही भाजपा सरकार पर राष्ट्रीय लोकदल नेताओं ने गंभीर आरोप भी लगाए। कार्यकर्ताओं ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। क्या मामला है, किसको लेकर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश में न्याय यात्रा का आयोजन कर रहा है, जिसके माध्यम से प्रदेश के अंदर जो दलित पिछड़े आदिवासी अकलियत के लोग पर अत्याचार हो रहा है उस संदर्भ में और उनके अधिकारों का हनन हो रहा है उस संदर्भ में हम समाज के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, ताकि 2022 में हमारी जो सरकार बने उस पर तो प्राथमिकता से काम करें, लेकिन इस सरकार को भी चेतावनी और ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई सफाई कर्मचारी जो आज शिविर में उतर रहे उसे बंद करो। कोरोना के अंदर जो लोग मरे हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनको 4 लाख रुपए दो और साथ ही साथ 2 अप्रैल भारत बंद के मुकदमे वापस लो, ताकि लोगों को ये लगे कि ये भारत उनका भी देश है। ऐसा नहीं हो कि भारत के कमज़ोर लोगों को लगे कि ये भारत पूंजीपतियों का देश है, कुछ वर्ग के लोगों का देश है, वो जो चाहेंगे वो होगा। उसी माध्यम को लेकर हम पूरे प्रदेश में जा रहे हैं लोगों के पास और ये आह्वान कर रहे हैं कि सरकार को बेदखल किया जाए, ताकि किसानों, दलितों, मजदूरों, पिछड़ों की सरकार बन सके। न्याय यात्रा के दौरान जो आपने भी मांगे रखी हैं, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या होता है? आंदोलन का मसला है, हम आंदोलन करेंगे। आरएलडी सड़क की पार्टी है, सड़क पर राजनीति करती है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय लोकदल, किसान 9 महीने किसान बैठा हुआ है बॉर्डर पे, तो वो राष्ट्रीय लोकदल का ही बल है जो 9 महीने किसान बैठा हुआ है। तो हम तो आंदोलन से पीछे नहीं हटते, लाठी खाने से पीछे नहीं हटते, गोली खाने से पीछे नहीं हटते। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।